सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले हमने 10th चैप्टर कंप्लीट किया था, उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया। उसकी एक एक्सरसाइज भी मैंने सोल्व करने के लिए डाली थी, वो आप लोग सोल्व कर लेना। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। देखो एक ही किताब में तीन सब्जेक्ट, मतलब तीन अलग अलग सब्जेक्ट हैं 10th क्लास में, आगे जाके ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो ये जो चैप्टर है ये रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम अपना लेसन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैंने पहले बताया था कि जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं, जो पाठ में लिखा होता है उसके बारे में ही पढ़ना होता है, या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो भी उससे रिलेटेड है वो पढ़ना होता है। तो इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस पूरे पाठ में हमें यही पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की है, वो कैसे होती है, क्यों होती है, कारण क्या है सभी, फिर रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखो, छोटी क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन पढ़े होंगे, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें जो वस्तु पहले होती है वो वस्तु वो नहीं रहेगी, कोई अलग पदार्थ ही बन जाएगा। जबकि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ आकार, आकृति, इनमें ही परिवर्तन आएगा, जबकि वस्तु वही रहती है। जैसे मान लो कोई कागज है, कागज का टुकड़ा है, कागज है, इसको टुकड़ों में कर दो तुम, देखो इसके आकार या आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो कागज ही। लेकिन अगर हम इसको जला दें, जलाने के बाद इसकी राख बचेगी, वो राख और ये कागज बिल्कुल अलग अलग पदार्थ हैं। तो इसको जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है और इसको फाड़ना, टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें, एक ऐसी क्रिया जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके कुछ अलग तरह के गुण होंगे। पहले जो पदार्थ था, जैसे मान लो कोई एक पदार्थ ए है, इससे दूसरे पदार्थ बी का निर्माण हुआ, तो इसमें जो गुण थे, ये जो पदार्थ बी है ये ए से बिल्कुल अलग होगा और इसके गुण भी इससे बिल्कुल अलग होंगे। हम बी को दोबारा ए में परिवर्तित नहीं कर सकते, ऐसा रासायनिक परिवर्तन में होता है, और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या कह सकते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसके कुछ नए ही गुण होते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद देखो एक उदाहरण लेके चलते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है, मैग्नीशियम धातु, ये रिबन के रूप में आती है, इसका एक रिबन लिपटा हुआ रिबन सा होता है, पतली सी होती है बिल्कुल रिबन की आकार की, और लिपटा सा होता है। अगर हम इस मैग्नीशियम धातु को जलाएं, तो जलाते हैं तो ये जलेगी, तेज सी रोशनी, चमकीली सी रोशनी निकलेगी इसमें, तो और ये आसानी से जल जाएगी। और जब जलेगी, तो जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसकी राख निकलती है, जैसे लकड़ी जलेगी तो राख बचेगी, कागज जलाएंगे तो राख बचेगी, ऐसे ही मैग्नीशियम जब जलेगा तो मैग्नीशियम की भी राख निकलती है। वो राख क्या होती है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जब भी हम मैग्नीशियम धातु को जलाएंगे, तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसको साफ किया जाता है रेग मार्क से, सैंड पेपर से हम इसको साफ करेंगे। रेग मार्क जो जंग उतारने वाला एक कागज सा आता है ना, खुरदरा, उससे इसको, इस मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं जलाने से पहले। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, ये अभिक्रिया, इसको रख दिया ना तो ये पड़ी पड़ी ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी, और इसके ऊपर मान लो ये मैग्नीशियम है, तो इसके ऊपर वाली सतह ऑक्सीजन के संपर्क में आके, या ऑक्सीजन में जो, सॉरी, इसमें वातावरण में
ऑक्सीजन उसके साथ संपर्क में आके इसके ऊपर परत जम जाएगी किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाएगी। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट ये किससे बनता है, दो चीजों से, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। नमी जो होती है, नमी वाली वायु के संपर्क में आकर मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है, तो इसके ऊपर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाएगी। और अब इस परत वाली मैग्नीशियम धातु को तुम जलाओगे तो ये आसानी से नहीं जलेगी, इसलिए इसको जलाने से पहले साफ किया जाता है रेगमार्क से, ठीक है भाई। अब ये मैग्नीशियम, अब इसको जब जलाते हैं तो मैंने बताया इसकी राख बचती है, वो राख जो होती है वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। जिस मैग्नीशियम था हमने इसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये संतुलित नहीं है, संतुलित कैसे करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये देख लो कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, जलाने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जलाने का मतलब क्या है, उस चीज की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्योंकि कोई भी चीज जब भी जलेगी तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु नहीं जल सकती। तो यहाँ मैग्नीशियम को जलाने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये एक देखो मैग्नीशियम जो है इसके अलग गुण है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके अलग गुण है, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है या इसको रासायनिक परिवर्तन कह सकते हो, ठीक है। अब जब कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उस नए पदार्थ का निर्माण किसी न किसी चीज से तो होगा ही, जैसे कोई कोई पदार्थ ए है, इसमें कोई पदार्थ बी मिला तो नए पदार्थ सी और डी का निर्माण हुआ। तो दो चीजें जो स्टार्टिंग में होती हैं, इन दो चीजों को जिनके बीच में अभिक्रिया होती है इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, मतलब अभिकारक, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनते हैं इनको बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो हम पदार्थ लेते हैं वो पदार्थ टूटते हैं, जैसे हमने कोई भी कैल्शियम ऑक्साइड ये ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड इसको इसमें हमने पानी मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है भाई। अब अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो अभिकारक हैं अभिकारकों के बीच में आबंध टूटते हैं, देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का आबंध टूटता है, इसके बीच में जो इनमें जो परमाणु हैं उनके बीच में आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आबंध टूटेगा, इनके बीच में भी आबंध टूटेगा, फिर कोई नए आबंध का निर्माण होता है जिससे एक नया पदार्थ बनता है। एक बात याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व का परमाणु नहीं बदलेगा, मतलब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम दूसरी साइड कैल्शियम ही मिलेगा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पदार्थ कहीं से आ जाएगा, नहीं, यहाँ के जो पदार्थ होंगे उनमें जो परमाणु शामिल होंगे वही अपने आप को रीअरेंज करेंगे इधर उधर, उनके बीच में ही कोई नया आबंध बनेगा, कोई बाहर की कोई चीज इनमें नहीं आएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में एटम्स मतलब परमाणुओं के बीच में रीअरेंजमेंट हो जाएगी, रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे अगर वो एक तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये पहले टूटेंगे फिर नए तरीके से जुड़ेंगे, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास प्रतिदिन होती हैं, कौन कौन सी, जैसे भाई गर्मियों में दूध खट्टा हो जाता है, दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन जो चल रहा है हमारे अंदर ग्लूकोज का टूटना वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसके अलावा भोजन का पचना वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, या
फलों का पकना वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमारे आसपास चलती हैं, जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम पढ़ते हैं अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर हम ये कह सके कि यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर हम ये बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या फिर सीधा ये कहें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो या तो गुण कहो कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें यह पता चलेगा कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखो कुछ चीजें हैं जिनको देख के हम ये कह देंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे तापमान, तापमान में परिवर्तन, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा किसी गैस का निकलना। ठीक है भाई, तो ये हो गया। या एक और है पांचवा, अवक्षेप का निर्माण। अब अवक्षेप क्या होता है ये मैं बताऊंगा। तो अगर मान लो कहीं पे भी ये चीजें चल रही हैं, कोई दो चीजें हमने ली या दो से अधिक ली, उनके बीच में अभिक्रिया हुई, या दो पदार्थ लिए और जैसे ही हमने उनको मिलाया तो वो जिसमें उनको डाल दिया वो पदार्थ गर्म हुआ कि ठंडा हुआ, हो सकता है गर्म हो जाए या हो सकता है ठंडा हो जाए। तो अगर तापमान में परिवर्तन होगा तो समझो हम कह देंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवस्था में परिवर्तन, मान लो कोई हमने दो पदार्थ लिए जो कि विलयन है, लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों की अभिक्रिया होने के बाद कोई ना कोई अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब दो विलयन लिए थे हमने, लिक्विड द्रव लिए लेकिन बाद में ठोस बने या कोई गैस उसमें से निकली, तो उसको हम कह देंगे, तब भी हम कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, मान लो दो पदार्थ हमने लिए उनके रंग पहले कुछ और थे और अभिक्रिया होने के बाद उनका रंग पलट जाए, तो तब भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होते टाइम कोई गैस निकले तो तब भी हम कहेंगे कि यहाँ पे अभिक्रिया हुई है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब होता है मान लो हमने दो लिक्विड चीजें ली, कोई दो ऐसी चीजें ली जो द्रव अवस्था में है और उनको मिला दिया, मिलाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक ठोस चीज बन गई उनमें, तो वो जो ठोस चीज बनती है वो होता है अवक्षेप। जैसे मान लो तुम्हारे पास गर्म दूध है, गर्म दूध में उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होगा, नीचे दूध फट जाएगा और नीचे कुछ ठोस सॉलिड सा नीचे बैठ जाएगा और ऊपर द्रव रह जाएगा, नीचे ठोस बैठ जाएगा, तो नीचे जो बैठेगा उसको हम कहेंगे अवक्षेप। तो इनमें से अगर कोई भी चीज अगर हो रही है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हालांकि देखो अवस्था परिवर्तन का एक एक्सेप्शन है, क्या जैसे पानी का, पानी में अगर पानी द्रव से ठोस में बदलता है और ठोस से गैस में बदलता है तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे पानी से अगर बर्फ बन जाए और या फिर पानी से बाम बन जाए तो अवस्था परिवर्तन तो है लेकिन वहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, अगर मैं इनका एक एक उदाहरण दूँ आप लोगों को, जैसे अगर इनका कोई एक एक उदाहरण, जैसे तापमान में परिवर्तन, मान लो आप लोगों के पास चूना है, चूना तो सफेदी, उसको सूत्र होता है CaO, बिना भुजा हुआ चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। अगर इसमें पानी डालते हैं, देखा भी होगा हमने, हम घरों पे लेके आते हैं ना चूना, जब उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, कितना गर्म हो जाता है वो बर्तन जिसमें हम ये डालते हैं पानी चूने के अंदर, तो बर्तन कितना गर्म हो जाता है। तो तापमान में परिवर्तन हो गया तो समझ लो वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, CaOH2 ये बन जाता है, इसको बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है भाई,
अब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है ठोस से सॉलिड बन जाए या सॉलिड से ठोस बन जाए। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं अवस्था परिवर्तन का, जैसे पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड के आई, इसकी अभिक्रिया करें लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 की ट्वाइस। पोटासियम आयोडाइड इसके साथ अभिक्रिया करें तो बनेगा PbI2, लेड आयोडाइड बन जाएगा, और KNO3 लेड नाइट्रेट। इसमें होगा क्या, देखो ये जो चीज है ये भी विलयन है, विलयन है, घोल है ये, और ये भी विलयन है, दोनों घोल हैं। टेस्ट ट्यूब ले ओ, उसमें पोटासियम आयोडाइड डाल दिया, ऊपर से इसका विलयन भी डाल दिया लेड नाइट्रेट का, तो थोड़ी देर में क्या होगा, कुछ चीज नीचे बैठ जाएगी, पीले पीले से रंगी येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो वो जो नीचे ठोस चीज बैठेगी उसी को हम अवक्षेप कहेंगे। वो किसके होंगे, वो लेड आयोडाइड के अवक्षेप बन जाएंगे। तो देखो दोनों विलयन लिए थे लेकिन एक चीज ठोस बन गई, तो अवस्था में परिवर्तन आया, तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन, मान लो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट नीले कलर के क्रिस्टल होते हैं, लैब में होते हैं, उनको पानी में डालो तो नीले रंग का एक विलयन प्राप्त होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 पानी में डालो नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा। उसमें लोहे की कील डाल दो आयरन की, तो कुछ देर के बाद 3-4 घंटे उसको रखने के बाद तुम देखोगे कि उस कॉपर सल्फेट का कलर नीला न होकर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, थोड़ा हरा हरा सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, FeSO4 बन जाएगा उसमें और ऊपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये अभिक्रिया हो जाएगी उसके अंदर, मतलब रंग परिवर्तन हुआ, जिसको देखकर हमने ये कह दिया कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकलना, गैस का जैसे मान लो जिंक धातु ले ली, जिंक ग्रेन्यूल्स आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से आते हैं, दाने से दाने भी आते हैं और छोटे छोटे पीसीज में आता है जिंक मेटल। तो जिंक के अंदर इसको कॉनिकल फ्लास्क में लेके शंकु आकार की कोई फ्लास्क, शंकु आकार की ऐसे होती है फ्लास्क कांच की, ठीक है भाई, ऐसे इसमें लेके जिंक को, और इसमें HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाल दिया, तो जैसे हम इसमें डालेंगे एसिड तो क्या होगा, ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो गैस निकलेगी तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवस्था परिवर्तन और अवक्षेप का बनना दोनों ही देखो इसी से पता चल जाएगा, इसी अभिक्रिया से ये पता चल जाता है कि अवस्था परिवर्तन हुआ है। तापमान में परिवर्तन जो होता है, तापमान में परिवर्तन देखो यहाँ पे तापमान बढ़ता है, ऊष्मा निकलती है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ तापमान कम भी होता है। तापमान परिवर्तन का मतलब सिर्फ तापमान बढ़ना ही होता, तापमान कम भी हो सकता है, तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें तापमान कम भी होता है, दो पदार्थों के बीच ऐसी अभिक्रियाएं होगी जिनमें तापमान कम हुआ, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, BaOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के बीच जब अभिक्रिया होती है तो बनेगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 साथ में अमोनिया NH2 और वाटर बनेगा H2O, ठीक है, ये बनता है। अब ये ऐसी अभिक्रिया है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, तो जिस टेस्ट ट्यूब में तुम इन दोनों को डालोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को, जैसे इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, जो टेस्ट ट्यूब तुम्हारे हाथ में है वो नीचे से वो ठंडी हो जाएगी, तो पता चलेगा कि इसमें तापमान परिवर्तन हुआ है, जिससे जिसको महसूस करके हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, ठीक है। उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। थैंक यू।